नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने से दुनिया के सभी देश महंगाई की चपेट में आए हुए हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन तेल के बड़े निर्यातक कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने पर किसी तरह राजी नहीं दिख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022 के लिए चौथे तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी के प्रॉफिट और इनकम में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले तिमाही के मुकाबले रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कुल आय 5.95% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के इस प्रदर्शन के बाद रुचि सोया ने 250% के बंपर लाभांश का ऐलान किया है। एलन मस्क और ट्विटर लगातार कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं, और अब ताजा खबर यह है कि ट्विटर के शेयरधारकों ने एलन मस्क पर केस दर्ज करा दिया है। इसकी वजह बताई गई है कि एलन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया है, वो लगातार गलत ट्वीट कर बयानों के जरिए ट्विटर के शेयरों की कीमत नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इसके शेयर नीचे आ गए हैं और शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई प्रोफाइल मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। न्यूज एजेंसी ANI ने इस बारे में जानकारी दी है। आर्यन खान को पिछले साल मुंबई में एक क्रूज पर छापेमारी के दौरान NCB ने कई अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था और उनके पास ड्रग्स बरामद करने का दावा किया गया था। कई सप्ताह तक जेल में बंद रहने के बाद आर्यन खान को कोर्ट से जमानत मिली थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाते हुए हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को इस मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है और इसे नहीं देने पर सजा को और बढ़ा देने की बात भी कही है। आपको बता दें कि उन्हें इससे पहले इस मामले में दोषी करार किया गया था। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय ड्रोन महोत्सव 2022 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हूं, 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। उन्होंने कहा कि जिन जिन स्टॉल में मैं आज गया, वहां सभी लोग बहुत गर्व से कहते थे कि ये मेक इन इंडिया है। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और लंबी छलांग लगाई है। एक और गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही भारत की ताकत में इजाफा हुआ है। मिसाइल के परीक्षण का एक वीडियो इंडियन नेवी ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में मिसाइल की सक्सेस को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि भारत ने आज एंटी सबमरीन स्टील्थ फ्रिगेट की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। इस मिसाइल की गर्जना से चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भी थर थर कांप उठ गए हैं। पूर्वी तिमोर तट पर आज भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके तिमोर द्वीप के पूर्वी हिस्से से 51.4 किलोमीटर की गहराई पर आए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को पूर्वी तिमोर के तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि इस बारे में नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। भूकंप के तेज झटके के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। आज यानी 27 मई को बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं, वो PET के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिले के चांद प्रखंड के दुगौली और भलुहारी गांव में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के द्वारा सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि 25-25 लाख की लागत से चांद प्रखंड में कुल 5 सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 2 सामुदायिक भवन का शिलान्यास कर दिया गया है। बाकी 3 सामुदायिक भवन का भी जल्द शिलान्यास किया जाएगा। साउथ वेस्ट मॉनसून इस वक्त मालदीव कोमोरीन क्षेत्र से आगे बढ़ गया है। मॉनसून की गति सामान्य से ज्यादा है और ये अगले कुछ घंटों में केरल में दस्तक दे सकती है। इसका असर आसपास के राज्यों में भी पड़ेगा, इसलिए मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश की आशंका को व्यक्त किया है। तो वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्के से मध्यम बारिश की आशंका को व्यक्त किया है। यूपी दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद जारी है। इस बीच कर्नाटक में भाजपा के विधायक ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि 36,000 मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई गई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि हिंदू लीगल तरीके से सभी 36,000 मंदिरों को वापस लेंगे। लगभग सभी ऑयल कंपनियों के शेयर शुक्रवार 27 मई को गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड के शेयरों में जहां 9% की भारी गिरावट देखी गई है, वहीं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर 5% लुढ़ककर कारोबार कर रहे थे। ऑयल कंपनियों के शेयरों में ये गिरावट इस खबर के बाद आई है कि केंद्र सरकार इन पर विंडफॉल टैक्स लगाने पर विचार कर रही है।
घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर पर काफी बुलिश नजर आ रही है। HFC रेफ्रिजरेंट गैस बनाने वाली कंपनियों में ब्रोकरेज हाउस को बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। इस सेगमेंट में भारत में कई दिग्गज कंपनियां हैं जिनमें SRF और गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लीडिंग नाम है जो कि ICICI सिक्योरिटीज को पसंद है। होमगार्ड की नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस विभाग बहुत जल्द ही होमगार्ड के 1900 पदों पर भर्ती करने जा रहा है जिसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से भी अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक इनके लिए आवेदन प्रारंभ की तारीख, शुल्क भुगतान, परीक्षा तारीख आदि जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, लेकिन विभाग की तरफ से जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दुनिया भर में हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज और फेफड़े की बीमारियों को मृत्यु के प्रमुख जोखिम कारक के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ स्थितियां बीमारी ना होते हुए भी हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बन रही है। वैश्विक स्तर पर साल दर साल बढ़ता तापमान उनमें से एक है। श्री बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में जगह जगह लगने वाले लंगरों के संचालकों के पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की शर्त पर सेवादार भड़क गए हैं। प्रशासन द्वारा सहयोग न देने का आरोप लगाने वाले ये संगठन इस बार लंगर नहीं लगाने का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि लंगर कमेटी गृहमंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से यह मुद्दा उठाएगी। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी TRS ने हेटेरो ग्रुप के चेयरमैन बंदी पार्थ सारथी रेड्डी को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वो भारत के सबसे अमीर सांसद बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नामांकन दाखिल करते समय पार्थ सारथी रेड्डी की संपत्ति लगभग 3909 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसमें अगर उनके परिवार की भी संपत्ति जोड़ दी जाए तो यह 5300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। कावासाकी USA ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा की है कि वो 7 जून को एक इलेक्ट्रिक बाइक पेश करेगी। कंपनी ने हाल ही में एक ट्वीट में ये घोषणा करते हुए कहा है कि द गुड टाइम्स इलेक्ट्रिक स्टे ट्यून 7 जून के लिए है। कंपनी ने 2021 में घोषणा की कि उसकी सभी बाइक्स 2035 तक इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। जॉब के लिए उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में विभिन्न पदों के लिए जॉब वैकेंसी निकाली है। अब उम्मीदवार आने वाले महीने की समाप्ति से पहले इन विशेष पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। UIDAI की तरफ से फोरेंसिक विश्लेषकों के पद को भरने के लिए आवेदन जारी कर दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख क्रमशः 9 जून और 13 जून 2022 है। KGF चैप्टर 2 ने सिनेमाघरों में 6 हफ्ते पूरे कर लिए हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई कम होती नहीं दिख रही है। 43 दिनों के बाद भी फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों में उमड़ पड़ते हैं। प्रशांत नील की पॉपुलर KGF फ्रेंचाइजी की दूसरी किश्त 14 अप्रैल को रिलीज हुई है। फिल्म में यश लीड रोल प्ले कर रहे हैं जिन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन से कई दिल जीते हैं। SBI रिसर्च के एक पूर्वानुमान के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के चौथे तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 40 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। 40 लाख करोड़ रुपए की चौथे तिमाही की वृद्धि भारत के शीर्ष सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए पूर्वानुमान से 1 लाख करोड़ रुपए कम है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका के प्रस्ताव पर चीन और रूस ने वीटो कर दिया है। इस प्रस्ताव में नॉर्थ कोरिया पर उसके अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के लिए नए कठोर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान था। करण जौहर की पार्टी में खूब मस्ती और धमाल हुआ। ट्विंकल खन्ना ने पार्टी के बाद का अपना हाल दिखाया है। ट्विंकल ने दिखाया है कि हैंगओवर से उनकी क्या हालत हुई है। साथ ही लिखा है कि चमकीली स्कर्ट्स, फ्री की दारू और करण जौहर को बैन कर देना चाहिए। ट्विंकल ने यह डर भी जताया है कि नशे की हालत में उनसे पार्टी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। हालांकि ये भी लिखा है कि सब लोग इतने नशे में थे कि किसी को याद भी नहीं होगा। विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 मई 2022 से शुरू होकर 29 जून 2022 तक चलेगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jkpsc.nic.in के जरिए इन पदों के लिए निर्धारित तारीख से आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला से देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान वो 773 जिलों के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में 17 केंद्रीय योजनाओं के 240 लाभार्थी सीधे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह प्रमुख कार्यक्रम होगा। चूंकि हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव है, ऐसे में शिमला में कार्यक्रम किए जाने का अपना राजनीतिक महत्व भी है। अगर आप भी कोरोना के मामले कम होने के बाद लंबे टूर की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, IRCTC की तरफ से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू की जा रही है। इस ट्रेन से भगवान राम के भक्तों को रामायण सर्किट पर अयोध्या, जनकपुर, नेपाल, सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक और रामेश्वरम की सैर कराने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने केदारनाथ और लैंड रिकॉर्ड खेती के बारे में चर्चा की। उनकी बातों से साफ था कि सरकार ड्रोन के जरिए किस तरह पारदर्शिता बढ़ाना चाहती है और साथ ही गरीब तबके को ड्रोन टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचाना चाहती है। साफ है कि मोदी सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी पर दाव खेलने की तैयारी में है।
कोरोना अभी भी दुनिया में परेशानी का सबब बना हुआ है। चीन में कोरोना पाए जाने की खबर को 2.5 साल हो गए। इस दौरान कोरोना ने तांडव दिखाया। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। WHO ने भी माना है कि नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि पिछले सप्ताह दुनिया भर में कोरोना के 37 लाख के करीब केस दर्ज किए गए और करीब 9,000 लोगों की जान गई थी। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी। फिल्म को शुरुआत से ही दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और वो लगातार बेहतरीन कमाई कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म इस वीकेंड कमाई के मामले में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है गौतम कुमार, ललन मोटिव, कृष्णा, रंजीत मिश्रा, मिथुन कुमार पंडित, कुश यादव, नन्नू कुमार, अर्जुन कुमार, सुनील, लकी, नवीन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार रक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।